अभिषेक अभिमन्यु। और क्या हाल है? क्या बढ़िया बढ़िया लग तो रहा है। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड अभी क्यों जज करने लग गए? अभी तो कुछ बोला बड़े गंदे लोग हैं। No, but I've recently moved to Mumbai and I've realized that people in Mumbai are a bit nicer than people in Delhi, right? But jaldi maan gaye ye baat. And I am from Delhi, so I am not used to the niceness. You know what I am used to oye panchod. Saale talwar maar denge tujhe mere ko. Okay, metro mein talwar leke kaise aaya tu? वहाँ तो मैं ना एक बार मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहा था और मैं ना ऐसे हल्का सा पैर बाहर लटका हुआ था। एक अंकल आया, उसकी टक्कर हो गई। मैं कहा तेरी तो, कहता सॉरी भाई साहब। सॉरी का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बट देन आई रियलाइज व्हेन द अदर पर्सन अपोलोजाइजेस, आपका ईगो खत्म हो जाता है। Like you go into self-analysis. तो वैसे गलती मेरी थी जो पहला खा के बैठा हुआ था। मैं कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। तो ना मुझे गिल्टी लगने लग गया। मैं कह एक्सक्यूज भाई साहब, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी भाई साहब। कह रहा कोई बात नहीं भाई साहब। कह थैंक यू भाई साहब। तो ना मैं बहुत अच्छा मोमेंट बन गया वहाँ पे। तो मैंने उसे किस कर लिया, मतलब जब से बॉम्बे आया हूँ 40 अंकलों किस कर चुका हूँ मैं और 15 औरतों से थप्पड़ खा चुका हूँ मैं। लेकिन आपने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? उस मूवी का पॉइंट पता क्या था? ज़ोया अख्तर ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी में जी लो, इसी में ऐश कर लो। हमने कहा क्या करें? अरे स्पेन जाओ दोस्तों के, स्पेन जाओ, पार्टीज करो, होटलों में रुको, टोमाटी नहीं खेलो। हमने कहा पर उतने तो पैसे नहीं। हाँ माच डालो फिर। And then I realized, मैंने भी कभी मदद की नहीं है ऐसा। Like the only time I have helped poor people is जब मेरे घर में किसी की death हुई है। Because then my mom used to go, बेटा आज नानी जी की बर्थी है, जाओ गरीबों को खाना दिया। मैं कहा वो तो ठीक है पर वो बिना नानी जी के मरे भी दे देना चाहिए। Like किसी के मरने की जरूरत नहीं हमारा अच्छा इंसान होने के लिए। और प्लीज ऐसे बिहेवियर को प्रमोट मत करो। अगर गरीबों को पता चल गया कि बुढ़ों के मरने से खाना मिलता है, एरिया के बुड्ढों की लाइफ काफी खतरे में आ जाएगी ना। और वो देखो है, नानी जी जा रही है, धक्का हमारा पिज्जा मिलेगा। Okay, recently one of my friends went through a breakup and he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे। चली गई भाई, चली गई, ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly that they've broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन कि हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब। आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए मतलब। मैंने उसको फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में। मैं कहा अकेला है? बहुत। मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले। दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। अच्छा मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आ गया था, बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मैं डैड आ गया था, बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। मैं डैड आया, कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? कह दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा बात करनी है। Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said and I quote, यार वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है।
पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं. Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई elegant body part नहीं है. Like you never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार. ये बंदी का ये वाला पार्ट सुंदर है ना, ये वाला मजा ही आता देख. और उसके बाद एक फाइनल हादसा हो गया जिसके बाद तो रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई है कि आज तक उभर नहीं पाया उससे. लाइक मैं 8th में था और सुबह मेरा दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझे आके पॉन दी. कहता देख ले. मैं कहा ठीक है. तो नहीं, मेरा मन भी था ये नहीं कि चल तेरे लिए देखूंगा आज मैं यार, सिर्फ तेरे लिए. बहुत मन था, ज्यादा ही था कुछ. तो बचपन में घर वालों के घर में पॉर्न देखता था तो उनको नहीं पसंद ये सब. हाँ, मेरा देखना नहीं पसंद. खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूं ना. तो मैं घर ऐसे पॉर्न देखता था, पॉर्न लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के बस. वो क्रॉस होता है ना विंडो क्लोज करने वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ किताब खोल के ऐसे सेक्स देख रहे हैं. पापा क्या अभिषेक पढ़ रहा था वो पैर से करते ताकि वो ना हो ना थोड़ा. तलाश में था और मौका मिल गया. मेरे घर में गेस्ट आ गए. मैंने कहा ये पापा वहां बिजी होंगे, लड़ेंगे वहां जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहां इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं. तो बस फिर पापा वहां गए, हमें तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के महफिल सजा ली अपनी. मैं कहा हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू. तमेव माता पिता तमेव. सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. तभी मेरे डैड आने लगे रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है. अंदर आ गए, देख लिया. तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी. क्योंकि आई थिंक वो भूल गए कि डांटना होता है. अरे HD क्वालिटी कहां से मिली है? देन रियलाइज क्या हुआ, तुमको गुस्सा आया. अरे क्या ये? मैं कहा ओ, मैं कहा ये ब्लो जॉब. क्या है ये सब? मैं कहा विद कॉन्टेक्स्ट. बुरी बात है, काफी बुरी बात है. अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी हाँ पॉन देख रहा हूं, काम करो अपना. तो मैंने सीडी निकाली. मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा, इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे. फिर अच्छा किसने दिए? मैं कहा आयुष ने. फिर आयुष को बोलो उसके पेरेंट्स से बात करने आ रहे हैं हम लोग अभी, अभी उसके घर जा रहे हैं, और तुम भी चलो तैयार हो, चलो. मैंने आयुष को फोन किया, वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा हाँ भाई. कैसी लगी? आगे स्वाद. मैं कहा बहुत ही बढ़िया थी, पापा को पसंद आ गई है.
और तेरे पेरेंट्स को रिव्यूज देने आ रहे हैं अभी। और बोलोगे नहीं नहीं भाई अभिषेक भाई नहीं, अपने बाप को रोक, अपने बाप को रोक, मैं तेरा कुत्ता बनूंगा जिंदगी भर, मैं तेरा जिंदगी भर कुत्ता बनूंगा भाई, तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले भाई, तू प्लीज यार तू मेरे मुंह में रोज मूत लियो। मैं कहा मुझे नहीं मूतना तेरे मुंह में यार, करे प्लीज यार एक ड्रॉप। मैं कहा नहीं यार, तू बहुत गलत टाइप की पोर्न देख रहा आजकल। अच्छा मैं देखता हूँ। मेरे पापा है, मैं कहा पापा सुनो हमें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे क्यों? मैं कहा उनका बच्चा बिगड़े हमें क्या है, हम अपना इंटरनल फैमिली मैटर सॉल्व कर लेते हैं ना, ये भी तो एक इशू है। कह रहे सही बात है, तुम तो चलो। मैं कहाँ चलो? कह ड्राइव पे। मैं कहा ये मर्डर कर देंगे मेरा, ये संस्कारी टाइप के आदमी, इनको बुरा लग गया, मेरी ऑनर किलिंग हो रही है आज। तो मैंने सेफ्टी के लिए कटर जेब में रख लिया। मैं कहा अब लड़के मरूंगा ऐसे तो मैं भी नहीं मर रहा, ठीक है पोन के पीछे नहीं जान दे रहा मैं अपनी। आपका बेटा कैसे मरा? थरक चढ़ गई थी। तो ड्राइव पे लेके गए, और ड्राइव पे वहां लेके गए जहां ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को। वो पूरा खाली एरिया ना, तो खाली एरिया वहां लेके जा रहे हैं, और भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। 15 मिनट हो गए कुछ नहीं बोला, और मेरा शक और गहरा होने लग गया। मैं कहा पापा सच में मार देंगे यार, पापा इस बात के पीछे सब भूल गए, जो पल बिताए थे हमने। मैं कहा इससे पहले पापा कुछ करें मैं ही साइलेंस तोड़ देता। मैं कहा पापा वो यहाँ जगजीत सिंह की सीढ़ियां पड़ी होती थी, नहीं मिली। जगजीत सिंह से तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। क्या देखो बेटा लाइफ के तुम्हें कैसे मोड़ पे पहुंच चुके हो, या तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, सही और गलत। मैं कहा सामने वाले रास्ते पे ध्यान दे लो, गाड़ी ठुक जाएगी हम मर जाएंगे, हम फेमस भी नहीं है, लोग कहेंगे दो फुद्दू आए थे, बहन चो खाली एरिया में गाड़ी ठोक के चले गए। मैं कहा बात दबा दो ना, बात दबा दो प्लीज यार पापा, बात दबा दो। मेरे बाप ने बहुत बड़ा हरामपना कर दिया, जाके मेरी मॉम को बताता, पता नहीं क्या सगे हैं अपनी बीवी के, इनको चुगली करनी है हर बात वहां जाके। मैं कहा वहां क्या बताते रहते हो यार, तभी तो हमारा रिश्ता नहीं स्ट्रांग हो पा रहा, ट्रस्ट ही नहीं है हमें कोई। और पता है मैं सही बताऊं, डैड तक फिर भी ठीक था। मैं कहा ठीक है डैड हैं समझ जाएंगे, क्या तो खुद भी करते हो, मुझे मतलब नहीं उससे। मैं माहिम में रहता हूँ, वहां कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहां मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है, मेट्रो बन तो रही। मैं यहां पुणे के आया हूं पूरा घूम के, ऊपर से मैं दिल्ली था, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन, हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गाँव के नीचे। और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे।
मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी. वी ब्रोक अप बट इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर. वॉज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे. जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना. मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना. मैं कहा होते हैं होते हैं, कहीं तो बना फिर. मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ. क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा. अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी. गॉड इज नॉट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर. तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी. आप पक्का याद रहेगी हमें. याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था. हाय वो आईसीयू का वार्ड भुला ही नहीं भूलता. मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था. ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम. क्या अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये. अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी. और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो. वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है. क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं. अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना. वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके. इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली. ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे. और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना. ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले. जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है. इंडोर जॉब है वो. सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं. इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ. सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में. अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो. निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर. हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी. तुम वो मर्डर कर रहा, मैं आई हूँ. टफ डे एट वर्क. ये बताइए ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे. पुलिस की गांड ही फट गई, क्या करेंगे. ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार. तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं क्या किया. मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए. इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, सच में पूरे शहर के. और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे. सबको खड़ा किया, खड़ा करो सबको जरा, निकाल सबके फोन रिकॉर्ड्स. इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं तुम्हें. ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं. तुम वो मर्डर, मैं तो नहीं हूं. क्या तार तुम ही हो ना, मैं ही हूं. हाँ क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है. ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं. ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन, ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा. उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा. मैं कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके, उसे क्या पता था मतलब. और इसका पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी. मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे. नहीं, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती. सच में मैं इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं.
हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के. हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा. ये कोई टाइम है उठने का? आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है. खैर उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी. और पहले तो मेरे बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब. अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता सच में. वो दादाजी रात के 3 बजे होते, सुबह हो गए मैं सो जाओ आप यार. क्या कर रहे हैं आप? हम सोने जा रहे हैं अभी. नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे. इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ. जाओ बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप. उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में. बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है. ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई. बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है. क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो. मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला. वो जो बोलेंगे बाप में उन्हीं को शर्म आएगी. पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले. और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था. और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था. मुझे पहले ही पता चलता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है. उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है. मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब, इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी. हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा. बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी. क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ड केसेस दिखाते हैं, सॉल्ड केसेस. ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा क्या काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा था. मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था. यही बातें तो बाद में याद आती हैं. But that's too real. बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार.